क्या आपको मालूम है बाइट समवंस हेड ऑफ कब बोलना चाहिए? अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। बाइट समवंस हेड ऑफ का मतलब होता है रिस्पॉन्ड विद एंगर टू समवन, यानी किसी को गुस्से के साथ बात करना या जवाब देना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो उससे गुस्से में बात मत करो या उससे गुस्से के साथ बात मत करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट बाइट हिज हेड ऑफ। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला हिज क्योंकि यहाँ आपके टॉपिक में आया है समवंस, यानी यहाँ पर आप किसी पजेसिव केस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बात अगर मुझे की है तो आप माई का इस्तेमाल करें, अगर बात आपकी या तुम्हारी है तो योर का इस्तेमाल करें, अगर बात उसका या उसकी है तो मेल के लिए हिज और फीमेल के लिए हर का इस्तेमाल करें, अगर बात हम लोगों की है तो आर, अगर बात उन लोगों की है तो देयर। तो चूंकि यहाँ बात एक मेल की हो रही है इसलिए मैंने लिखा हिज। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैंने तुमसे एक आम सवाल पूछा और तुमने गुस्से में जवाब दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई जस्ट आस्क्ड यू अ सिंपल क्वेश्चन एंड यू बीट माई हेड ऑफ, यानी मैं तो तुमसे एक बहुत सीधा सवाल पूछा था और तुमने गुस्से के साथ रिस्पॉन्ड किया यानी जवाब दिया। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला बीट क्योंकि बाइट का सेकेंड फॉर्म बीट होता है। ये मेरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और जैसा कि आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो तुम हमेशा मुझे गुस्से में जवाब क्यों देते हो या तुम हमेशा मुझसे गुस्से में बात क्यों करते हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाई डू यू ऑलवेज बाइट माई हेड ऑफ, यानी तुम हमेशा मुझसे गुस्से में बात क्यों करते हो या गुस्से में जवाब क्यों देते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि बाइट समवंस हेड ऑफ का मतलब होता है रिस्पॉन्ड विद एंगर टू समवन, यानी किसी को गुस्से के साथ रिस्पॉन्ड करना यानी जवाब देना या बात करना।